भाभी जी घर पे है के मशहूर किरदार मलखान, या फिर कह लें जिनका रियलिटी नेम है दीपेश भान, इनकी मृत्यु हो चुकी है। और इनकी मृत्यु इतने मिस्टीरियस तरीके से हुई है जिसको सुनने के बाद हर किसी का दिल दहल गया। इन्हें तो ना कोई बीमारी थी ना ही कोई ये रोग से ग्रसित थे। अब दोस्तों यहाँ पर इनके कोई स्टार्स इस पे आके अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं। अब दोस्तों इसी बीच आसिफ शेख, जिनको हम विभूति जी प्यार से कहते हैं, इन्होंने इनके ऊपर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और इनकी मौत की असली वजह अब आ चुकी है सामने। बताया जा रहा है दोस्तों दीपेश भान की जो मौत की असली वजह मानी जा रही है ये इनका जिम हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे विभूति नारायण मिश्रा या फिर कहें आसिफ शेख का कहना है कि मैंने मलखान को कई बार समझाया कि तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा जिम नहीं करना चाहिए। बता दें दोस्तों मलखान हर रोज़ 3 घंटे जिम करते थे और साथ ही साथ वो अपने वजन को मेंटेन रखने के लिए कई कई बार खाने भी नहीं खाते थे, जिसके वजह से दोस्तों इनके जो शरीर है ओवर एक्सर्ट कर गई, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा इनका दिल का धड़कन धड़कने लगा। जो मेन वजह बताई जा रही है इनकी मौत की वो ब्रेन हैमरेज बताई जा रही है। दोस्तों रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर जो मलखान थे या फिर दीपेश भान थे, ये सुबह उठे, सुबह के टाइम इंसान का ब्लड प्रेशर हमेशा से लो रहता है, ये सुबह उठे जम के जिम में वर्कआउट किया, फिर इसके बाद ये बगल में क्रिकेट खेलने निकल गए। शरीर में बहुत तेज़ी से ब्लड फ्लो होने के कारण इनके शरीर का ब्लड फ्लो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और जब इनकी मौत हुई तो उनके आँख रास्ते खून निकला, मतलब कि जो ब्लड था वो आउट ऑफ कंट्रोल था। इन्होंने इतना ज़्यादा मेहनत कर लिया था कि इनके शरीर की जो यहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत तेज़ हो गई, तो ब्रेन हैमरेज मेन कारण बताई जा रही है। वहीं विभूति नारायण मिश्रा कहना है कि बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया करते थे। उन्होंने कई बार इन्हें समझाया कि भाई तुम 40 वर्ष पार हो चुके हो, तुम्हें इतना वर्कआउट नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये अपने फिटनेस के पीछे इतने दीवाने थे कि फिटनेस ही इनकी जान की दुश्मन बन बैठी। खबर थी दोस्तों द न्यूज़ नेक्स्ट के हवाले से। और भी ऐसी खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द न्यूज़ नेक्स्ट।